नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन न्यूज़ विद दीपिका में। दोस्तों, अनुदेशकों के मार्च माह की जो धनराशि है उसको जारी कर दिया गया है और बहुत जल्दी ये धनराशि जो है वो आप सभी के खातों में भी आ जाएगी। अनुदेशकों को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि मार्च माह का जो मानदेय है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो आज जो है वो 12 अप्रैल को अनुदेशक मानदेय सक जो है उसका ये जो धनराशि है उसको जारी कर दिया गया है और आदेश भी जारी हो गया है। बहुत जल्दी ये आपके खातों में भी आ जाएगी। अभी इस वीडियो में हम आपको वो पूरा आदेश दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा लें। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर ही अनुदेशकों के मार्च माह के मानदेय का जो आदेश है वो दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और विषय में अंशकालिक अनुदेशक मानदेय मार्च माह 2022 की धनराशि प्रेषण करने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या इतने के अनुसार 15 मार्च 2022 के माध्यम से अंशकालिक अनुदेशकों के का जो है वो जनवरी और फरवरी माह का जो है वो मानदेय दिया जा चुका है और इसकी जो कुल धनराशि है उसको भी जारी कर दिया गया है। पूरे आदेश में इसी तरीके से सारी बात बताई गई है कि किस तरीके से 7,000 रुपये प्रति माह की दर से जो है अनुदेशकों के मार्च माह की जो धनराशि है उसको जारी किया जा रहा है और PFMS प्रमाणी के माध्यम से ये धनराशि बहुत जल्दी आप सभी के खातों में भी आ जाएगी, यानी कि अनुदेशकों को बहुत जल्द ही उनके जो मार्च माह का मानदेय है वो उनके खातों में मिल जाएगा, जिससे अनुदेशकों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि मानदेय इतना कम है और मानदेय कम होने पर अगर मानदेय समय पर ना आए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। आज ऑलरेडी 12 अप्रैल हो चुकी है, यानी कि अप्रैल का महीना भी जो है वो आधा खत्म हो चुका है और ऐसे में अभी तक मार्च का मानदेय जो है वो जारी नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है इसका आदेश जारी हो गया है और ये धनराशि जो है बहुत जल्दी आप सभी के खातों में भी आ जाएगी। अनुदेशकों से जुड़ी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक बेल आइकन वाला बटन नहीं दबाया तो उसे भी दबा लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।